तो आखिर तुम आई गए। ये सोचने की भूल मत करना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत जल्द ही पुलकित के खिलाफ सबूत मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें हवालात में डालकर अपनी ताई को साथ में ले जाऊंगा। पुलकित तुम अंदर जाओ। देवी मुझे उससे बात करनी है। जाओ ना, वीरू तुम्हें लेने आया। जाओ अंदर जाके चुप जाओ। देवी मुझे उससे बात करनी है। जाओ ना अंदर, मेरी बात सुनो। देवी जाओ अंदर। मैं जानती हूँ वीरू, तू मेरे पति को मुझसे दूर करने आया है ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं ताई। मेरे होते हुए तू पुलकित को छू भी नहीं सकता। मेरे पति को तू मुझसे दूर नहीं कर सकता। ताई जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आगे मत वीरू, मैं इस घर में तुझे नहीं आने दूंगी। बस ना ताई, बस। मैं पुलकित को गिरफ्तार करने नहीं आया हूं। अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूं। मेरी बेवकूफी ने तुझे बहुत तकलीफ दी है और बड़ी गलती हो गई मुझसे। माफ कर देना ताई, छोटा भाई हूं, माफ कर दे। तू सच्ची पुलकित को मुझसे दूर नहीं ले जाएगा ना? नहीं ताई, मैं तो पुलकित जीजा जी से माफी मांगने आया हूँ। क्या बोला तूने? तूने तूने पुलकित को जीजा जी बोला? ये मेरे वीरू ने पुलकित को जीजा जी बोला। पुलकित सुना तुमने? सुना तुमने? वीरू ने तुम्हें जीजा जी बोला। 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 पुलकित वीरू मैं एक मिनट में आई। पुलकित I'm really very sorry। मैं सच में तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे और देविताई से माफी मांगने आया हूँ। कल रात को तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दोगे, तो फिर अब ये माफी क्यों? अभी अभी पता चला है मुझे कि जो कुछ तुम कह रहे थे वही सच था। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में भी देविताई का ही नाम लिखा हुआ है, तुम्हारी पत्नी के तौर पर। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, इतने साल बीत गए, इतने साल तुम देविताई से अलग रहे, फिर भी तुम अपना रिश्ता निभा रहे थे। सबने लाख कोशिश कर ली, लेकिन आखिर तो प्यार करने वाले मिल ही गए। वीरू देख, पुलकित ने मेरे लिए शीरा बनाया है, बताना कैसे है? अच्छा मैं अपने हाथों से अपने वीरू को खिलाऊंगी। देखा, सही ने बोला था ना, वो सब ठीक कर देगी, उसके जैसे कोई हो ही नहीं सकता है। वीरू तो सही को क्यों नहीं लेकर आया? अच्छा हाँ, वो तो कॉलेज गई होगी ना। अच्छा वीरू तो एक काम कर, तू है ना ये शीरा सही के लिए लेकर जा, ठीक है? और उसको बोलना ये उसके पुलकित जीजा जी ने बनाया। ओके, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सई ने तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं सच कह रहा था। विराट, मैं तुम्हारी ताई को कभी तकलीफ नहीं दूंगा।
वैसे सही कैसी है? हाँ वीरू, मुझे ना बहुत डर लग रहा था ये सोच सोच के कि घर में सही के साथ क्या हो रहा होगा। उसने सबके खिलाफ जाके हम दोनों की मदद की थी ना, घर में किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया ना, तूने उसे डांटा तो नहीं ना वीरू? वहीं रुक जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर में सिर्फ भरोसेमंद लोग रह सकते, तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं। आज के बाद मैं सही से सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूं। कल रात को जब सही घर वापस आई तो हमें लगा कि उसने देवी ताई की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए सजा के तौर पर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया? वीरू तो ऐसा कैसे कर सकता है? सही कितनी अच्छी है पर तूने उसे घर से निकाल दिया? क्यों वीरू? क्यों तूने सही को घर से निकाला? हाँ तू बहुत गंदा है वीरू, तू बहुत गंदा है वीरू, गंदा सही अच्छी वीरू, गंदा सही अच्छी वीरू, गंदा सही अच्छी। देवी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। सही को यह सब मेरी वजह से झेलना पड़ा। अरे विराट आ, नहीं कुछ मत दो इसे, इसे कोई मिठाई नहीं मिलेगी। मैं तो शीरा भी नहीं दूंगी, इसे मैंने सही को घर से निकाल दिया है और मैं इसे बात भी नहीं करूं और कोई इससे बात नहीं करेगा। देवी प्लीज, मुझे विराट से बात करनी है। विराट अब सही कहां है? पता नहीं। कल रात से घर के बाहर बैठी हुई थी, इतना पता है कि कॉलेज गई थी सुबह, फिर शायद गढ़चिरौली चली गई हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। शायद गढ़चिरौली चली गई हमेशा के लिए। शायद मतलब? विराट तुम सही के पति हो, क्या सोचकर तुमने सही को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया? सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? सुबह तुम्हें पता चल ही जाता कि सच क्या है तो फिर क्यों? मुझे लगा कि मेरी ताई के साथ ना कुछ गलत हुआ है, और जब मेरी ताई के साथ कुछ होता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता, और गुस्से में फैसला ले लिया। और गुस्से में इंसान फैसले नहीं गलतियां करता है, और सही जैसी लड़की को अपने घर से अपनी जिंदगी से निकालना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी विराट। सही ने सबसे लड़ झगड़ के हम दोनों को मिलाया, मेरी और पुलकित की फिर से शादी करवाई, और तूने तूने क्या किया? तूने सही को घर से निकाल दिया। शर्म आ रही मुझे खुद पर, हरकत के लिए मैं उससे माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि माफी तो गलती की मांगी जाती है और मैंने जो किया है वो गुनाह है जिसकी सिर्फ सजा मिलनी चाहिए मुझे। गढ़चिरौली में सही का तो अब कोई है भी नहीं, पता नहीं वो कहां रहेगी, क्या करेगी और उसकी पढ़ाई का क्या होगा। सही इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके उसके डॉक्टर बनने के सपने का क्या होगा? मुझे लगता था कि तू सही से प्यार करता है, तुम दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए ना फिर भी तुझे उसकी परवाह होती है। मुझे लगता था कि तू कभी भी सही को कुछ नहीं होने देगा, तूने तो उसे घर से निकाल दिया, तू कैसे कर सकता है वीरू? तू कितना गंदा है, तू चला जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं तुझसे कट्टी हूँ। ताई
ताई माफ कर देना मुझे। माफी तुम्हें हमसे नहीं सही से मांगनी चाहिए विराट। जाओ जाके उसे ले आओ। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी ताई सच में एक अच्छे इंसान के साथ है। थैंक यू पुलकित। मेरी ताई को ऐसी हालत में भी अपनाने के लिए, इतने सालों पहले किया हुआ वादा निभाने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए थैंक यू। प्यार तो तू भी करता है सही से, तू जाना वीरू और ले आना सही को वापस। जाना वीरू बोल, जाएगा ना सही को वापस, जाएगा ना। और तू है ना, तू मेरी गंदियाई और बाकी घर वालों की बातों में मत आना हाँ, क्योंकि क्योंकि वो लोग तुझे और सही को दूर करना चाहते हैं। वो पत्र लिखा है ना, उससे तो दूर रहना, क्योंकि वो हमेशा तेरे और सही के बीच में आ जाती है। वो बहुत गंदी है, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोशिश करूंगा मैं ताई।